सुंदरगढ़ नाम के गांव में एक कुमार नाम का आविष्कारक अपनी बीवी और बेटे रोहन के साथ रहता था। पर एक बार रोहन के पापा कुछ अलग ही आविष्कार कर रहे थे और ये बात जब दुश्मनों को पता चलती है तब वो लोग रोहन के पापा का एक्सीडेंट करवाते हैं जिसमें रोहन के पापा मर जाते हैं। रोहन भी बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने पापा जैसे बनना चाहता था। इस तरह साल बीत जाते हैं। अब रोहन बड़ा हो गया था। रोहन अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था कि उसे पापा की रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है, पापा के रूम से ही आ रही है, जाकर देखता हूं। ऐसा सोचकर रोहन पापा के रूम में जाता है। तब वो देखता है कि रूम की एक खिड़की खुली थी और हवा के कारण पापा के कुछ कागज नीचे गिर गए थे। रोहन खिड़की बंद करता है और सारे कागज को एक जगह पर समेट कर रख देता है। तब तक माँ भी वहां आ जाती है। रोहन को देखकर माँ कहती है, बेटा रोहन, तुझे मेरी कसम है कि तू आज के बाद इस रूम में आया तो तेरे पापा को तो खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। पर माँ, मैं तो पापा के जैसे बनना चाहता हूँ, पापा के जैसे रोबोट बनाना चाहता हूँ। नहीं, कभी नहीं, कुछ भी कर पर पापा के जैसे मत बन। माँ रोहन को उस रूम से बाहर निकालती है और उस रूम को ताला लगा देती है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। शायद पापा के जाने से माँ को सदमा लगा है, लेकिन मैं ढूंढ कर रहूंगा कि वो राज क्या है। एक बार जब घर में कोई नहीं रहता तब रोहन चुपके से माँ के रूम से पापा के रूम की चाबी लेकर रूम खोलता है और रूम में पड़े कागज पढ़ने लगता है। उसे समझते हुए देर नहीं लगती। अरे ये तो रोबोट बनाने का तरीका है, पर ये कुछ अलग है। शायद इसी बात की वजह से पापा की जान गई होगी, पर वो रोबोट कहाँ है, कैसे पता लगाऊं? रोहन बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से पूछ ही लेता है। रोहन की जिद के आगे वो हार जाती है और कहती है, बेटा रोहन, पापा की एक बड़ी लैब इस घर के अंडरग्राउंड में ही है जहाँ पर वो रोबोट बनाने का काम करते थे। पर वो मामूली घर काम करने वाले रोबोट नहीं बनाते थे, बड़े बड़े रोबोट बनाते थे जो लोगों की मदद करे। माँ, मुझे पापा की लैब देखनी है। माँ रोहन को लेकर रोहन के पापा की लैब में जाती है। वहां जाकर रोहन एक स्कूल बस देखता है जो बहुत ही बुरी हालत में है। तब रोहन कहता है, माँ आपने कहा था कि पापा बड़े बड़े रोबोट बनाते थे, पर ये तो एक स्कूल बस है, ये कैसा रोबोट है माँ? बेटा यही तो है आविष्कार, पर मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, पर इसी की वजह से पापा की जान गई। अब तुम ही पता करो बेटा। ठीक है माँ। रोहन उस बस को बाहर और अंदर से अच्छे से देखता है। स्कूल बस की हालत इतने दिन बंद रहने के कारण कुछ अच्छी नहीं थी। रोहन बस में चढ़ता है और कैबिन में बहुत सारे बटन देखता है। वो देखकर कहता है, ये इतने सारे बटन क्या है ये सब? वेट अ मिनट, शायद ऐसी बटन मैंने पहले भी कहीं देखी है, पर कहाँ? हाँ याद आया, पापा के रूम में जो कागज है उनमें देखा है। रोहन तुरंत पापा के रूम में जाता है और वो कागज लेकर आता है। जैसे जैसे उस कागज पर लिखा था रोहन वैसे ही सारे प्रोग्राम उस बस में इंस्टॉल करता है और बस को रिस्टोर करता है। फिर रोहन बस में लगा हुआ पहला बटन दबाता है, तब वो स्कूल बस खुफिया रास्ते से बाहर आती है। फिर रोहन दूसरा बटन दबाता है, वैसे ही वो स्कूल बस एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है। ये कोई मेरा सपना तो नहीं? नहीं, यही तो पापा का बहुत बड़ा आविष्कार है। रोहन बहुत ही खुश हो जाता है।
और फिर से उस रोबोट को एक स्कूल बस में कन्वर्ट करता है और फिर से खुफिया रास्ते से अंडरग्राउंड में स्कूल बस ले जाकर रखता है। खुशी खुशी अपने घर आता है, लेकिन ये सब रोहन के पापा के दोस्त क्रांति देख लेते हैं। ओके, तो कुमार ने इस रोबोट को घर के अंदर ही छुपा कर रखा था और मैं हूं कि इधर उधर ढूंढ रहा हूं। क्रांति किसी बहाने से रोहन के घर के अंदर जाता है। तब रोहन कहता है, आप कौन हो? यहां कैसे आना हुआ? अरे बेटा, तुम नहीं जानते मुझे। मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करता था। बड़े दिन हो गए, सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। क्या तुम्हें कुछ पता है अपने पापा के आविष्कार के बारे में? रोहन बोलने ही वाला था कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है और बड़े ही गुस्से से कहती है, कमीने गद्दार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर आए? निकल जाओ मेरे घर से और दूर रहो मेरे बेटे से। उस क्रांति को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है। क्रांति वहाँ से चला जाता है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया। माँ, आपका ये रूप मैंने आज पहली बार देखा। माँ, बेटा, इसी क्रांति ने तुम्हारे पापा को मारा है। ये गद्दार है बेटा, और इससे दूर रहना बेटा। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, पापा के इस आविष्कार के बारे में इसे पता चल चुका था और वो उसे चोरी करके बेचना चाहता था। जब पापा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्हें ही मारने की धमकी दी, इसीलिए पापा ने इसे यहाँ छुपा कर रखा था। ठीक है माँ, अब देखो मैं कैसे अपने पापा के मौत का बदला लेता हूँ। रोहन अपने बदले की आग में आग बबूला हो जाता है, पर तब तक क्रांति कुछ गुंडे भेजता है और वो गुंडे रोहन पर हमला करने लगते हैं। तभी रोहन अंडरग्राउंड जाकर स्कूल बस को बाहर लाता है और उसका एक बटन दबाता है। वो रोबोट में परिवर्तित हो जाता है। अब मजा चखाता हूं तुम्हें। रोहन उस रोबोट को ऑपरेट करता है और गुंडों पर हमला करने के लिए कहता है। वो रोबोट गुंडों की मार मार के पिटाई कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। अब बारी थी क्रांति की। फिर रोहन उस क्रांति को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। क्रांति सारी बात उगल देता है कि कैसे उसने कुमार का एक्सीडेंट किया और मार दिया था। रोहन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है, जहां पे क्रांति अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसे जेल हो जाती है। तब जाकर माँ को भी सुकून मिलता है। माँ उसे कहती है, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा के कातिल को सजा मिली। माँ, आज के बाद मैं इस स्कूल बस रोबोट का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करूंगा। उस दिन से दोनों माँ बेटे सुकून से रहने लगते हैं। रोहन अपने पापा के लैब में पापा के जैसे नए नए आविष्कार करने में लगा हुआ रहता है।